हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता चतुर्खंड का पांचवा अध्याय, कुमार का अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, जब कार्तिकेय अपनी माताओं कृतिकाओं से आज्ञा लेकर भगवान शिव के पास जाने के लिए वहां से निकले, तो द्वार पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुंदर रथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह रथ दिव्य था और द्रुत गति से चलने वाला था। उस रथ को उनकी माता पार्वती ने उनके लिए भेजा था। उनके पार्षद उस रथ के पास खड़े हुए थे। कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर चढ़ने लगे, तभी उनकी माताएं दौड़कर रोते हुए उनसे लिपट गई और कहने लगी कि पुत्र, हम तुम्हारे बिना क्या करें। पुत्र, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारे बिना यहाँ रहना हमारे लिए संभव नहीं है, तुम शीघ्र ही वापस लौट आना। यह कहकर उन्होंने कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया और भारी मन से कार्तिकेय को रोते रोते जाने की आज्ञा दी। तब कार्तिकेय ने कृतिकाओं को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात कार्तिकेय उस दिव्य मनोहर रथ पर बैठ गए और वह उन्हें ले उड़ा। आकाशीय मार्ग से तीव्र गति से चलता हुआ वह रथ कैलाश पर्वत पर आकर रुका। तब शिवगणों ने भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर कार्तिकेय के आगमन की शुभ सूचना उन्हें दी। उनके आगमन के बारे में सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे, विष्णु जी, देवी पार्वती और अन्य देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कार्तिकेय का रथ रुका हुआ था। सबके मन में गंगा जी से उत्पन्न हुए बालक को देखने की बड़ी इच्छा थी। तब सब देवता कार्तिकेय से मिलने के लिए आ रहे थे। उस समय चारों दिशाओं में शंख और भारी बेरी बजने लगी। सभी शिवगण नाचते गाते और उनकी जय जयकार करते हुए अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र को देखने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को गोद में बैठा लिया। तब देवी पार्वती ने भी उस बालक को बहुत प्यार किया। भगवान शिव ने उस बालक के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मंगाया और उस सिंहासन पर बालक को बैठाया। तत्पश्चात भगवान शिव ने सब तीर्थ स्थानों से मंगाए गए जल को वेद मंत्रों से पवित्र करके उससे बालक को स्नान कराया। 6 कृतिकाओं द्वारा पोषित होने के कारण उस दिव्य बालक को कार्तिकेय के नाम से जाना गया। तीर्थों के पवित्र जल से स्नान कराने के उपरांत सभी देवताओं ने कार्तिकेय को तरह तरह की अमूल्य वस्तुएं, विद्याएं और अद्भुत शक्तियां प्रदान की। तब सर्वप्रथम देवी पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता लक्ष्मी ने दिव्य मनोहर हार उस बालक को पहनाया तो देवी सरस्वती ने सारी सिद्धि विद्याएं उन्हें प्रदान की। फिर श्री हरि विष्णु जी ने रत्नों से निर्मित किरीट मुकुट, बाजूबंद, वैज्यमितमाला और अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, बाण, संहार अस्त्र आदि परम दिव्य वस्तुएं प्रदान की। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवित, वेद माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुओं का नाश करने वाली विद्या प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत हाथी और वज्र प्रदान किया। वायुदेव वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की मालाएं प्रदान की। सूर्यदेव ने मन की तरह तीव्र गति से चलने वाला दुर्गात्मी रथ और शरीर की रक्षा करने वाला कवच भी प्रदान किया। यमराज द्वारा दंड और समुद्र द्वारा उन्हें अमृत भेंट किया गया। धन के अकूत भंडार के स्वामी कुबेर ने गदा दी। इस प्रकार सब देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उपहार प्रदान किए। सभी देवताओं और शिवगणों ने उनका अभिवादन किया। इस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ रही थी। ओम नमः शिवाय।